यूपी के कौशाम्बी जिले दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कोहात सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक पर कहा कि नागरिकता संशोधन जो विधेयक है इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, यह एक क्रांतिकारी कदम है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जी ने कहा है कि जिस तरीके से सीए को लेकर के बीजेपी ने कानून लाया, ये मजहबी कानून है। देश में संविधान, देश में पहला कानून जो मजहबी कानून है। इसमें मजहब कहां आ गया? इसमें तो मजहब क्या सिखाता है, वो खुद ही गाना गाते हैं ना कि मजहब हमें सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये आपस का बैर समाप्त करने का नियम है, और ये उत्पीड़ना के प्रति एक संवेदना का ये नियम है। अगर वो उत्पीड़ना कराना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इनका उत्पीड़न हो, तो निश्चित रूप में जनता उसका जवाब देगी। ये ईसाई का उत्पीड़न हो, सिख का उत्पीड़न हो, पारसी का उत्पीड़न हो, जैन का उत्पीड़न हो, बौद्ध का उत्पीड़न हो, हिंदू का उत्पीड़न हो, क्या ये समाजवादी पार्टी चाहती है विदेशों में? हमने तो कहा है कि हिंदुस्तान में जो भी प्रधानमंत्री की सहायता है वो बगैर भेदभाव के, अगर राशन मिल रहा है तो जितना हिंदू को मिल रहा है गरीबी के आधार पर उतना ही मुस्लिम को भी मिलेगा। कई कई जगह तो केंद्र की योजनाओं का उनकी आबादी से ज्यादा लाभ मिल रहा है अल्पसंख्यक को, कि आज राशन 18% की आबादी है तो आज 24-25% राशन जो है वो मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है। आज जो उनकी 18% की आबादी है लेकिन 22-23% जो आवास मिले हैं प्रधानमंत्री आवास, वो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को मिले। पहली सरकार है जो नारा नहीं दे रही है, जो मजहबी बात नहीं कर रही है, लेकिन सबको बराबर गरीबी आधार मान के, गरीबी ही जात है, गरीबी ही धर्म है, उसके आधार पर काम कर रही। 25 करोड़ लोगों को गरीबी के लोगों से ऊपर। इंडी गठबंधन पर क्या कहेंगे? अब इंडी के गठबंधन में भिंडी की सब्जी पक रही है और ज्यादा आग लग गई है इसलिए वो जल गई है, और जलने के बाद सब्जी बेकार हो जाती है, उसको लोग फेंक रहे हैं। 2024 ये गठबंधन का बंधन खुल रहा है, अब केवल रस्सी रह जाएगी, उसकी ऐठन नहीं जाएगी।